Assalamualaikum, dear candidates. This is Najibullah Kalbar, Inspector Illinois Revenue FBR. जैसे कि आप सबके इल्म में है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में NTS के थ्रू जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर. आज हम अकाउंट असिस्टेंट जो है उसका जो सिलेबस है, जो टेस्ट होगा, वो इस कौन से एरियाज में से आएगा, कौन से MCQs होंगे उसके, इसको हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि सर इसका सिलेबस जो है वो क्या होगा. ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये पता लग सके कि ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो वाकई सही हैं या नहीं हैं. तो मैं एक पहले इससे पहले ऑफिस असिस्टेंट का जो मैंने वीडियो बनाया है उसके ऊपर भी मैंने ये चीज़ जो है वो डिस्कस की है. अभी दोबारा जो है आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ. ये जो प्रपोज्ड एरियाज आर सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट है, ये नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का एक नोटिफिकेशन है 2018 का. ये जब फर्स्ट टाइम सिलेबस दिया गया था तब जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था. क्योंकि जो सिलेबस है वो डिपार्टमेंट जो होता है वही देता है कि कहाँ से जो है वो टेस्ट आना चाहिए. और इसमें हम देखें तो नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है अकाउंट्स आर अकाउंट असिस्टेंट 15 स्किल की जॉब है, आर्डिट असिस्टेंट 15 स्किल की जॉब है, जूनियर क्लर्क जो है 9 स्किल की जॉब है, और जूनियर क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट जो है अकाउंट्स ये 9 स्किल की जॉब है. इनके लिए जो सिलेबस दिया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इससे ऊपर है. ये जनरल जो पेपर होगा वो क्या होगा, 65 मार्क्स का होगा. उसमें क्या क्या होंगे, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स जो होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे. और जो आपकी क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल नॉलेज उससे रिलेटेड जो है वो 50% जो है सिलेबस होगा. उसके बाद दूसरा जो है दूसरी जो जो पोर्शन है वो है कंप्यूटर का, वो 20 मार्क्स होंगे उसमें. और उसमें क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफेशंसी होगी. तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, इसको हम फर्दर डिटेल में जो है आगे डिस्कस करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसी नोटिफिकेशन में नीचे गिवन है वो ये है कि जो पेपर होगा वो आपका, ये जो कैटेगरीज थी इनका पेपर इंग्लिश में होगा, ये लिखा हुआ है बी नंबर जो पॉइंट है. और पेपर जो होगा आपका वो MCQs टाइप होगा, ये ए लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट है. और उसके बाद डी पॉइंट जो है वो ये है कि 50% जो है मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे तभी जो है आप पास होंगे. मगर जाहिर सी बात इंटरव्यू के लिए उनको ही बुलाया जाएगा जो बिल्कुल टॉप पे होंगे. फिर उसके बाद ई जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो सिलेबस है या प्रपोज्ड जो है एरियाज हैं ये NTS की वेबसाइट पे जो है NTS को अपलोड करनी पड़ेंगी 1 वीक पहले जो है बिफोर द टेस्ट. तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि अगर 1 वीक पहले सिलेबस अपलोड होता है तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो तो नहीं हो पाएगी. तो इस वजह से मैं पहले से ये अपना होमवर्क करके आपको एडवांस में जो है बता रहा हूँ आपके आपका सिलेबस जो होगा ये क्या है, और अभी से इसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें. और मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है आपके साथ एट द एंड ऑफ वीडियो शेयर कर रहा हूँ. उसके अलावा ये जो हमारे क्लासेस हैं जो मैं चलाने जा रहा हूँ उसकी भी जो डिटेल्स हैं वो भी आपको बता रहा हूँ. मगर हम पहले सिलेबस को जो है वो अपनी तरफ से कम्प्लीट करते हैं. तो यहाँ पे हम समराइज करते हैं कि आपकी जो अकाउंट असिस्टेंट है उसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा. क्योंकि अब जो जॉब्स आई हैं वो अकाउंट असिस्टेंट की आई हैं, RN असिस्टेंट की जॉब्स नहीं आई, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. जनरल कैटेगरी जो है उसमें 65 मार्क्स होंगे, और इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर्स जो हैं उसमें 15 मार्क्स से होंगे. और 40% हमने पढ़ा, 50% वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है जो टेक्निकल नॉलेज है उससे रिलेटेड होगा. और उसके बाद कंप्यूटर जो है वो 20 मार्क्स में होंगे. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया. ये टोटल मिला के 65 ऊपर हैं और 20 मार्क्स नीचे हैं, तो ये 85 मार्क्स हो जाएंगे. और जो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 15 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरव्यू के होंगे, इसलिए ये टोटल मार्क्स जो रिटन टेस्ट के रखे गए हैं वो 85 मार्क्स रखे गए हैं. फिर प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज जो है आपकी जो आपके लिए ये जो है उसमें क्या आ सकता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि इसमें सबसे पहले आपको अकाउंटिंग जो है उसके ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए. उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट उसके ऊपर भी अच्छी आपकी ग्रिप होनी चाहिए. उसके अलावा अगर आपने
अपनी जो डिग्री थी उसमें कोई और सब्जेक्ट पढ़े थे, जैसे स्टेटिस्टिक्स हो गया, दूसरे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हो गए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह, ये वो फिर आप कवर करें। मगर सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपने कवर करने हैं वो ये वाले करने हैं। और हमारे जो क्लासेस हैं उसमें मैं यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट यानी 85 मार्क्स जो हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह आपकी कवर हो जाएंगे। उसमें उसमें आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे और MCQs पे टेस्ट जो हैं वो भी दिए जाएंगे। तो अगर आप मेरे क्लासेस में रजिस्टर होना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पे ओनली जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। इस पे SMS नहीं करना आपने, ना ही कॉल करनी है। ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा, किसी भी टाइम आप जो है मुनासिब टाइम जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। SMS के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू आप सेंड कोई भी मैसेज हो छोड़ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये जो है वो डिटेल्स थी। और अब हम आते हैं, मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्या है। सबसे पहले माय करंट जॉब इंस्पेक्टर अंडर रेवेन्यू APR एंड माय प्रीवियस जॉब्स जूनियर नेशनल सेविंग्स ऑफिसर सेंट्रल डायरेक्टर नेशनल सेविंग्स में, सीनियर एडिटर, ये ऊपर वाली जॉब जो थी वो NTS के थ्रू थी, सीनियर एडिटर एंड कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स थ्रू फेडरल प्रोसेस कमीशन, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट इन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स थ्रू NTS एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एडमिन एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू NTS, ठीक है। ये वो जॉब्स हैं जो मैंने हासिल की। इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट जो हैं NTS के और मुख्तलिफ जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनके मैंने पास किए। तो ये जो है वो ब्रीफ बैकग्राउंड था मेरा। अगर कोई और क्यूरी हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में जो है या फिर आप नंबर के थ्रू वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है जो क्लासेस हैं उसको ज़रूर ज्वाइन करें, अभी से स्टार्ट करें प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप आगे जो है और इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।